आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा। कोई एक रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज हुई चर्चा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपनी 32 मिनट की स्पीच दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। गोगोई ने कहा, प्रस्ताव लाने का मकसद प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़ना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को पुराना सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन मिला वापस। सांसद की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के एक दिन बाद ही बंगला हुआ अलॉट। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में भाजपा संसदीय दल की मीटिंग। उन्होंने कहा, विपक्ष आशंकाओं से भरा हुआ, इस बात को दिखाने के लिए लाया विश्वास पत्र। राज्यसभा में बीते दिन देर रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल हुआ पास। इस दौरान भाजपा के आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर सदन में पेश मोशन ने फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश में नौकरी से निकाले गए 3 आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला पकड़ रहा फूल। भारतीय जनता पार्टी नौकरी से निकाले गए 3 NHM कर्मियों को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू को बना रही मुद्दा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कर रहे दौरा। मुख्यमंत्री सुबह के वक्त शिमला से चौपाल के लिए उड़े। यहां पर लोगों से सुनी समस्याएं। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म ओ माय गॉड 2 के मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस। उनका कहना है कि फिल्म में गलत तरीके से दिखाया गया शिव का रूप। सीन में भगवान शिव का दुकान से कचोरी खरीदना भक्तों को कर रहा आघात। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का आज तीसरा मुकाबला गुआना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार 7:30 पर होगा टॉस और 8 बजे मैच की होगी शुरुआत।